आए हजरात शाहकार नजराने अकीदत पेश कर रहे थे जनाब मुनव्वर जलालपुरी और पैगाम अमन और शांति एकता खुलूस मोहब्बत का पैगाम फ़र्श अज़ा के हवाले से यकीनन फ़र्श अज़ा पूरी कायनात पे बिछा दी जाती है। रेगजारों में समुंदर में बियाबानों में मजलिस सब्र है आफाक के ऐवानों में फातिमा शोक मनाती है सरे दस्त अतश करबला जागती रहती है अज़ा खानों में। लेकिन एक मौका नजीब इलाहाबादी को मिला कि फ़र्श अज़ा बिछा के अगर रो नहीं सके फर्शे अज़ा बिछा के अगर रो नहीं सके कुछ अहतमाम खातिर जहरा नहीं किया और जिसने गमे हुसैन में गिरिया नहीं किया रहमत ने उसके घर में बसेरा नहीं किया। फातिमा जन्नत से खुद तशरीफ लाती है वहां जब बिछाता है कोई फर्शे अज़ा शब्बीर का धड़कने पढ़ने लगी दिल के मुसल्ले पे नमाज मेरी आंखों के अज़ा खाने में कौन आया है। आइए हमारा शहर इल्मी अदबी सकाफती तहजीब का गहवारा गुलाम अब्बास भाई ने कहा तो एक शेर इनको सुना देते हूँ और ये पैगाम भी होगा। मजार में हो पड़े क्यों मजार से पहले निकालो खुद को हसद के गुबार से पहले यूं ही मिला नहीं पहलों हिंद का ये लकब हुई है खिदमत इस इफ्तिखार से पहले हुई है खिदमत इस इफ्तिखार से पहले फिदक के लूटने वालों किधर को जाते हो गले तो मिल लो जरा जुल्फिकार से पहले। आइए महबूब अंसारी के मीम को गले लगा ले मुल्क अदब बन जाएगा महवरे फहम फरासत बनेगा यही महान बनेगा यही मुशीर बनेगा यही मुबशिर बन जाएगा यही मोहब्बतों का पैगाम लेकर हमारा भाई आपके बीच इलाहाबाद की सरजमीन पे दस्तक दे रहा है यानी महबूब अंसारी के फौरन बाद शेर हिंदुस्तान शहनशाह तखय्युल जनाब बिलाल कादमी साहब हाजिर होंगे। हजरत ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये अगले साल से प्रोग्राम शुरू हुआ है आप लोगों के कहीं जो भी आप लोग हम लोग को एक सहारा देते हैं और हमारे छम्मन भाई का भी एक सहारा है तो इंशाल्लाह अगले साल मैं आपसे यहाँ कह रहा हूँ कहीं वीज़ा मिल गया तो या रेहान आजमी या मीर हसन मीर और या इंशाल्लाह वो मीर तकल्लुम या शादमान रजा चार आदमी का है नाम कहीं मिल गया वीज़ा तो एक आदमी इंशाल्लाह इस महफिल में ज़रूर आएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कहीं वीज़ा मिल गया तो और नहीं वीज़ा मिला तो मजबूरी है समझे। और हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे आखिरी मतलब तक मुलायजा फरमाए के हर आदमी के हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे मिस्रा भी वैसे ही बुलाया फरमाए के हर आदमी अरे मजबूर है तकदीर के आगे है तकदीर के आगे हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे तकदीर है बेबस मेरे शबीर के हर आदमी के हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे के हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे अरे तकदीर है बेबस मेरे शबीर के आगे हर आदमी मजबूर है अरे शबीर के आगे अरे तकदीर है बेबस मेरे शबीर के आगे शबीर के आगे और सहरा के बिना अरे सहरा के बिना हो गिना महशर में शफात हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे
तकदीर है बेबस मेरे शहपीर के आगे, शहपीर के आगे। सुन के मुलायदा फरमाइए, चौथा मिसरा पेश कर रहा हूँ कि हर आदमी हर मजबूर है तकदीर के आगे, अरे तकदीर है बेबस मेरे शहपीर के आगे। ओ जहरा के बिना हो जीना महशर में शफात है, तुम नाक भी रगड़ोगे किसी पीर के। अरे तकदीर है बेबस मेरे शहपीर के आगे, अरे शहपीर के आगे। और ज़हरा के बिना शफात, तुम ना कभी रगड़ोगे किसी तीर के आगे, अरे तुम ना कभी रगड़ोगे किसी तीर के आगे। के वो और हैं, मुलाजा फरमाई खास तो बता जाऊंगा, अरे के वो और हैं, वो और हैं। महबूब अंसारी साहब ने जनाब जहरा के लिए कहा, मैं अभी से 3 जुलाई का जंतर मंतर पे जहां मीडिया भी होगी और इंटेलिजेंस भी होगी, वहां मैं चाहता हूं कि महबूब अंसारी साहब उस वहीं से जनाबे फातिमा के लिए किसने जुल्म किया, जनाबे फातिमा के ऊपर क्या किसने दरवाजा गिराया, क्या जुल्म हुआ, ये जरूर बतलाएंगे। और मुझे खुशी होगी, जहां हो दुनिया के किसी कोने पे मैं यहीं से वादा ले रहा हूँ, ये तस्वीर में आपकी तकरीर जरूर कराऊंगा। शुक्रिया बहुत बहुत महबूब अंसारी साहब। मजबूर है, अरे तकदीर है बेबस मेरे शहपीर के आगे, अरे ज़हरा के बिना हो जीना महशर में शफात, तुम ना कभी रगड़ोगे किसी पीर के आगे, अरे किसी पीर के आगे। के वो और हैं के जिनके इरादे बदल गए, और हमने तो जा आदि कहा तूफान टल गए, और छुप छुप के बमबारियां करें, ये सब वही यजीदी है चेहरे पर। अरे मस्जिद छुप छुप के मस्जिदों में जो बमबारियां करें, ये सब वही यजीदी है चेहरे बदल, अरे चेहरे बदल गए। और पाया मैंने जब से उजाला गदीर का, और पाया मैंने जब से उजाला गदीर का, अरे चुपचाप मेरे घर से अंधेरे निकल,
चुपचाप मेरे घर से अंधेरे निकल गए, अंधेरे निकल गए। और ये शेर पेश कर रहा हूँ खासतौर से मुलाजा फरमाइए, खासतौर से मुलाजा फरमाइए। देखिए मैं शेर अपनी जानब से पेश, ये हुजूर मुलाजा फरमाए कि बम्बारियाँ छुप छुप के बाहर, छुप छुप के मस्जिदों में जो बम्बारियाँ करें, ये सब वही यजीदी हैं चेहरे बदल गए। और पाया मैंने जब से उजाला गदीर का, हर उजाला गदीर का, अरे चुपचाप मेरे घर से अंधेरे निकल गए, अंधेरे निकल गए। और निस्बत हुई जब से पयंबर की आल से, अरे मुझ जैसे खोटे सिक्के भी दुनिया में चल गए। निस्बत हुई है अरे जब से पयंबर की आल से, अरे मुझे से खोटे सिक्के भी दुनिया में चल गए, दुनिया में चल गए, अरे दुनिया में चल गए, दुनिया में चल गए। और मुलाजा फरमाए कि हज़रत आले के हुक्म नामे तो है मेरे लिए, माज़रत चाहता हूँ, कैसी बात नहीं है, मगर मुलाजा फरमाए खासतौर से कि कभी वो अरे कभी वो बात पसंद खुदा नहीं होती, कभी वो बात अरे पसंद खुदा नहीं होती, पसंद खुदा नहीं होती, अरे कभी वो बात पसंद खुदा नहीं होती, रसूल जाद की जिसमें रजा नहीं, कभी वो बात पसंद खुदा नहीं होती, रसूल जाद की जिसमें रजा नहीं होती, रसूल जाद की जिसमें रजा नहीं होती, हर एक चीज अरे फना होती है जमाने की, मगर अली की मोहब्बत फना नहीं, हर एक बात और फना होती है जमाने की, मगर अली की अरे मोहब्बत फना नहीं होती, मगर अली की अरे मोहब्बत फना नहीं होती, मगर अली की अरे मोहब्बत फना नहीं हो। और आखिरी मजमू तक ही पेश कर रहा हूँ खासतौर से मुलाजा फरमाइए, मगर अली की अरे मोहब्बत फना नहीं होती, और अली से बोगजो अली से बोगजो हसद भूल कर भी मत करना, ये वो मरज है कि जिसकी दवा, अली से बोझो हसद है, कभी वो बात अरे पसंद खुदा नहीं होती, रसूल जाद की जिसमें रजा नहीं होती, रजा नहीं होती, अली से बोझो हसद, अली से बोझो हसद भूल कर भी मत करना, ये वो मरज है कि जिसकी दवा नहीं होती, ये वो मरज है कि जिसकी दवा नहीं होती, ये वो मरज है कि जिसकी दवा नहीं होती। और ये खूब मजलिस मातम से हो गया साबित, हमारी कौम कहीं लापता नहीं, हमारी कौम कहीं लापता नहीं।
नहीं होती, ये खूब मजलिसों पर मजलिसों मातम से हो गया साबित, हमारी कौम कहीं लग पता नहीं होती, मगर अली के अरे मोहब्बत अरे फना नहीं। और ये शेर मुला आखिरी मरत पेश कर रहा हूँ मुलाजफर में खास तौर से, हमारी अरे कौम कहीं ला पता नहीं होती, और कहीं वो हाथ न धो बैठे अपने सजीदों से, कहीं वो हाथ न धो बैठे अपने सजीदों से, जिन्हें जरूरत खाके शिफा, जिन्हें जरूरत खाके शिफा नहीं होती, जिन्हें जरूरत अरे खाके। और ये शेर महसूस करे खाते हो तो मुलाजा फरमाइए, जिन्हें जरूरत अरे खाके शिफा नहीं होती, करो ना तज़किरा बाजारे हश्र का हमसे, हमारे अश्कों की कीमत अदा नहीं, हमारे अश्कों की अरे कीमत अदा नहीं होती, हमारे अश्कों की अरे कीमत अदा नहीं होती। अच्छा ये खास तौर से मुलाजा फरमाइए, अच्छा हजरात आखिरी मजमे तक ये शेर पेश कर रहा हूँ, देखिए मुलाजा कीजिए, खास तौर से मुलाजा कीजिए, कि जिन्हें जरूरत खाके शिफा नहीं होती, मुलाजा कीजिए हुजूर की इशारा है, मुलाजा कीजिए, जिन्हें जरूरत सुनिए खाके शिफा नहीं होती, सुनिए इधर उधर की बात है, अरे इधर उधर की सुनाओ न शेख जी हमको, आखिरी मजमे तक तवज्जो चाहूंगा, इशारा है, अरे इधर उधर की सुनाओ न शेख जी हमको, ये साफ कह दो कि हमसे वफा ना, ये साफ कह दो इधर उधर की, इधर उधर की अरे सुनाओ न शेख जी हमको, ये साफ कह दो कि हमसे वफा नहीं होती, ये साफ कह दो कि हमसे वफा नहीं होती, ये साफ कह दो कि हमसे वफा नहीं होती, और आलम को देख के अरे उनका निकाह टूटता है, दूसरा मिसरा मुलाजा फरमा दी, बात क्या कर रहा हूं उनका निगाह टूटता है, किसका सुनिए खातून किसका, के आलम को देख के, आलम को देख के उनका निकाह टूटता है, कि जिनकी आंखों में शर्म आया नहीं, आलम को देख के अरे उनका निकाह टूटता है, कि जिनकी आंखों में शर्म हया नहीं होती, कि जिनकी आंखों में अरे शर्म हया नहीं होती, ये इनके जिनकी आंखों में ये हमने देखा है, अरे बिदअत के शहरों में जाकर चराग जलते हैं लेकिन जिया नहीं, चराग जलते हैं लेकिन जिया नहीं होती, खुदा की नेमतें हर आती ना आसमानों से,
अगर जमीन पकर वो बला नहीं होती, अगर जमीन पकर वो खुदा की नेमतें, खुदा की नेमतें अरे आती ना आसमानों से, अगर जमीन पकड़ वो बला नहीं होती। आलम को देख के, आलम को देख के अरे उनका निकाह टूटता है, कि जिनकी आंखों में शर्म आया नहीं होती, कि जिनकी आंखों में अरे शर्म आया नहीं होती। ये चढ़ के तार पमी सामने कर दिया साबित, हर एक जबान से अली की सना नहीं, हर एक जबान से अली की सना नहीं होती। ओ शेर महसूस करे खास तौर से कि सवाल करती ना बागे फिदक का तुमसे कभी, सवाल करती ना, सवाल कर दी न पागे और फिदक का तुमसे कभी, अगर हुसैन की मादर खफा नहीं, अगर हुसैन की मादर खफा नहीं होती, अगर हुसैन की हर मादर खफा नहीं होती। और करो न रोजे हर कयामत की फिक्र ऐ महबूब, हुसैन वालों को कोई सवाल नहीं।